अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में जो मौजू हम लाए हैं ये बड़ा दिलचस्प भी है, कुछ अफसरदा भी कर देता है, लेकिन हकीकत के इंतहाई करीब है। अचानक अमवात होने से जो जायदाद और दीगर असासा जात की तकसीम है वो अगर आपने वसीयत नहीं कर रखी है तो एक बड़ा पेचीदा मरहला बन जाता है, और फिर जो लवाहिकीन हैं और वरसा हैं उनके लिए खासी कानूनी मुश्किलात भी रहती हैं। कानूनी एतबार से तो मुश्किलात जहाँ होती हैं वहाँ समाजी सतह पे भी जाहिर है, जब मामला असासाजात का है, जायदाद का है, मालियत का है, तो उसमें लोगों के अंदाज भी बदलते हैं, दावे भी बदलते हैं। इस वजह से तहकीक जो बताती है कि बरतानिया के अंदर भी जो ज़्यादातर बाशिंदे हैं अगर वो अपनी वसीयत ज़िंदगी में नहीं लिखते तो इस बारे में उन्हें कोई तश्वीश नहीं है। तकरीबन जो रिसर्च ये बता रही है कि 6 में से एक शख्स जो है वो मुस्तकबिल के बारे में कोई इतना इरादा नहीं रखता, सोचता नहीं है। पाकिस्तान और एशिया निजात बरतानवी शहरियों में भी वसीयत जो बनाने का ट्रेंड है अब जाके उसने कुछ संजीदगी पकड़ी और वो बढ़ने लगा है। पेंशन और इंश्योरेंस के लिए काम करने वाली कैनेडा लाइफ कंपनी की तरफ से की जाने वाली एक तहकीक में ये भी बताया गया है कि बरतानिया में निसफ से ज़ायद बालिग आबादी अपने पास वसीयत नहीं रखती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि उनके पास मतलूबा दौलत ही नहीं, लिहाजा वसीयत की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। वसीयत में उन दफात के बगैर ये मुमकिन है कि अदालतें फ़ैसला करें कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी किस पर होनी चाहिए। फिर मज़ीद ये कंपनी ये भी बताती है कि टैक्स, ट्रस्ट और इस्टेट प्लानिंग के टेक्निकल जो मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। तकरीबन मज़ीद एक और तहकीक जो है वो ये बता रही है कि 55 साल से या उससे ज़्यादा उम्र के हर 3 में से एक बालिग बरतानवी बाशिंदे ने अभी तक वसीयत नहीं की है। जब लोगों से इस बारे इस्तफसार किया गया, वसीयत की वजह बताई, पूछी गई, तो उन्होंने भी यही बताया कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी या इतनी मालियत के हमारे असासाजात नहीं हैं कि जो बाद में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे। लेकिन मुख्तलिफ रियासतों में कुछ कवानीन डिफरेंट भी हैं। वसीयत हो तो आसानी क्या होती है, वसीयत ना होने से मुश्किलात क्या होती हैं, वसीयत अगर लिखी जाती है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, क्या वसीयत एक बार लिख दी जाए तो उसके बाद उसको रिड्यू किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है, और वसीयत की अथेंटिसिटी को कैसे चेक किया जाता है। ये तमाम कुछ टेक्निकल, कानूनी, समाजी पहलू हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन पर बात करेंगे। मायनास कानूनदान असलम शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। रुमाना कौसर साहिबा मायरे कानून हैं, सोलिसिटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। रुमाना आपका बहुत शुक्रिया। तहसीन खान साहब खान साहिबा विल राइटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तहसीन साहिबा आपका शुक्रिया। सलमा रबिया साहिबा सोशल वर्कर हैं, वो भी ये प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी। शेख साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। द नंबर वन क्वेश्चन इज़ कि ये जो तहकीक सामने आई है उसके मुताबिक लोगों की एक बड़ी तादाद है जो वसीयत करने से या वसीयत लिखवाने से या विल लिखवाने से हिचकिचाहट करती है, हेजिटेंट है, क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो वाकई आपने जो इंट्रो में कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, स्पेशली बरतानिया के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं और पाकिस्तानी जनूब एशियाई जिनका तो बैकग्राउंड है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि बरतानवी लॉ जो है वो कुछ मामलात में वसीयत के कुछ रिक्वायरमेंट्स और बाकी प्रॉपर्टी के मामलात में कानून डिफरेंट है, और इस्लामिक लॉ जो है वसीयत के बारे में उसके अंदर जो शरायत हैं वो डिफरेंट हैं। यही जो हिचकिचाहट है, यही जो हम कहेंगे हेजिटेशन है मुसलमानों को बरतानिया के अंदर, उसकी वजह से ये तादाद कम है जो लोग अपनी वसीयत के बारे में ज़्यादा संजीदा होते हैं, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पाते बर वक्त कि उन्होंने इस्लामिक जो रूल्स हैं जायदाद के बारे में उनको फॉलो करना है कि बरतानवी रूल्स को फॉलो करना है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद आपने बताई है कि वो अपनी जो इन ज़िंदगी के अंदर अपनी होशो आवाज के अंदर जो है वो अपनी वसीयत को तय नहीं कर पाते। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो इस्लामिक लॉ और बरतानवी जो लॉ है उसके अंदर वो ये है कि इस्लामिक लॉ वसीयत के बारे में बहुत क्लियर है, वो ये इनक्रेज करता है कि आपने वसीयत के मामले में कोई ख़ास कदम ना ही भी उठाया
तो भी आपके लिए जो कुरानी और शरीयत असूल हैं वो तय कर दिए गए हैं वसीयत के बारे में, जिसमें ये है कि 1/3 प्रॉपर्टी जो है उससे ज़्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में लिया जाए कि अगर एक जायदाद के 4 हिस्से किए जाएं तो आपने 3 हिस्से जो हैं वो आप वसीयत नहीं कर सकते सिवाय एक हिस्से के। उसकी वजह ये है कि हमें जो शरीयत लॉ है, जो इस्लामिक लॉ है, वो इनक्रेज करता है इस चीज़ को कि आप अपने वारिसान को किसी भी सूरत में अपनी जायदाद से जो है वो अलग नहीं कर सकते, या आप ये नहीं कर सकते कि अपने वारसान जो हकीकी वारसान है उनको छोड़कर किसी और को आप अपनी वसीयत के मुताबिक देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि कानून जो इस्लामी कानून है उसके अंदर वारसान के हिस्सों को मुकर्रर कर दिया गया है। उन हिस्सों को मुकर्रर करने की वजह से जो बरतानवी मुसलमान है वो इस चीज़ में बौदर नहीं करते कि उन्हें वसीयत करनी चाहिए और उसकी कुछ ज़रूरत है, चूँकि वो ये समझते हैं कि बरतानिया के अंदर रहने के बावजूद उनके जो जायदाद के मसाइल हैं वो इस्लामी कानून के मुताबिक तय होंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा उनके लिए ड्रॉबैक है कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि बरतानवी कानून के ऊपर लागू होगा, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद को बरतानवी कानून के मुताबिक अपना डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं जाएंगे, उसकी वसीयत नहीं करके जाएंगे, तो इस्लामिक लॉ इन एक्शन नहीं होगा। चूंकि यही एक प्रॉब्लम उन्हें सामने नज़र आती है जिसकी वजह से वो हेजिटेट करते हैं। अब जी उसमें होता ये है कि बरतानवी कानून वसीयत के बारे में ये कहता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में विरासत का मामलात को तय नहीं किया तो उसकी वजह से होगा ये कि जो आपकी जायदाद है वो आपके जो बच्चे हैं उनको पहुंच जाएगी और उनके दरमियान बराबर तकसीम कर दी जाएगी। इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बरतानिया में चूंकि शादी का जो मैरिज में कानून है वो इतना इतना सख्त नहीं है, इतना लाजमी नहीं है। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अनमैरिड पार्टनर भी साथ कहीं के साल ज़िंदगी गुजारते हैं और सिर्फ उनको तहफ़ देने के लिए बरतानिया में जो इंग्लिश लॉ है वो विल को या वसीयत को इनक्रेज करता है, सपोर्ट करता है कि वो की जाए। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने अपनी विल के अंदर अपने अनमैरिड पार्टनर को डिक्लेयर नहीं किया और उसके नाम पर जायदाद का हिस्सा जो है वो तय नहीं किया अपनी मर्जी के मुताबिक, तो उसका नुकसान ये होगा कि उसे चूंकि वो रजिस्टर्ड पार्टनर नहीं है, आइदर सिविल पार्टनर या आपका जो शादी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे आपकी विरासत से वसीयत अगर नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा और जायदाद जो है आपके बच्चों को, अगर बच्चे नहीं हैं तो आपके बहन भाइयों को चली जाएगी। जी, इस वजह से ये और होता है कि स्पाउस अगर आप बरतानवी रजिस्टर्ड कानून हैं, आप रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पे हम ज़रा एक केस केस कर लेते हैं। लेट सपोज़ कि आप रजिस्टर्ड हैं, आपकी शादी रजिस्टर्ड है, आपके बच्चे भी रजिस्टर्ड हैं, और आपका जो घर का बड़ा है, जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, हस्बैंड है या वाइफ है, उसका इंतकाल हो जाता है खुदा न खास्ता, तो फिर जो स्पाउस है उसका शेयर कितना होगा? क्या वो भी इक्वली होगा जितना बच्चों को जा रहा है? जी, उसको हाफ के बाद बाकी इक्वल हो जाएगा बच्चों के दरमियान। इसमें इशू यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी स्पेशली मुसलमान पाकिस्तानी हैं उनके यहाँ भी ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जिनके यहाँ पर शादी को रजिस्टर नहीं करवाया गया होता, जिसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे कि उन्होंने दूसरी शादी की या खुफिया शादी की हुई है। क्योंकि बरतानिया के अंदर कानून यह है कि आपने सिर्फ एक ही शादी करनी है, उसके होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन फिर वही इस्लामी रिवायात और इस्लामी सही है, शरिया की बिल्कुल ठीक आती है। है कि इस्लाम मैं में शेख साहब चार आपने चार बड़ा तरह की अच्छा इसको इजाजतें हैं एलेबरेट कर उस लिया वजह है। से। बहुत 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 से पहलू आपने बता दिए। एक के बाद मैं ज़रा तहसीन साहबा की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि विल राइटिंग होती क्या है। हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तहसीन साहिबा, विल राइटिंग कैसे होती है, किन बातों का ख्याल रखा जाता है, और इसकी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के क्या तरीक़ेकार हैं? अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इंक्लूड करने का। जी, विल राइटिंग बेसिकली वसीयत नामा लिखना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अगर हम शरिया की बात करते हैं तो
कुरान शरीफ में, सूरह में और भी सूरतों में जिक्र किया हुआ है, हदीसें हैं कि एक मुसलमान को दो रातें भी नहीं सोना चाहिए वसीयतनामा बनाए बगैर। जहाँ तक ये यूनाइटेड किंगडम का ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपने खुद वसीयतनामा नहीं बना के रखा हुआ और यहाँ की गवर्नमेंट ने आपके लिए बना के रखा हुआ है, तो यहाँ का गवर्नमेंट जब आप नहीं बनाते तो कहता है कि पहला 322,000 पाउंड आपके सर्वाइविंग स्पाउस हो जाएगा, बाकी बैलेंस में से 50% इक्वली आपके बच्चों को जाएगा और बाकी बैलेंस आपके स्पाउस को मिलेगा। जी रुमाना साहिबा, डिफरेंस क्या है? अभी एक बात तहसीन साहब ने भी की कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया है, उन्होंने आपके लिए एक वसीयत बना के रखी होती है। पाकिस्तान में भी एक फोतीदगी इंतकाल जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो आपके जितने भी वरसा हैं उनको वो प्रॉपर्टी चली जाती है, तो वो तो फिर वसीयत की क्या इम्पोर्टेंस रह जाती है? अगर फोतीदगी इंतकाल में जितने लोग हैं, उसके स्पाउस है, उसके बच्चे हैं, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, या जो आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट है उसके थ्रू आपकी जो दीगर असासे हैं, दौलत है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो फिर विल उसके बावजूद क्यों ज़रूरी रह जाती है? थैंक यू सो मच। आई थिंक ये जो एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि विल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक अलग है, और अगर आप फॉर एग्जांपल इस कंट्री में अगर किसी के पास विल नहीं है एंड आफ्टर देयर डेथ तो उनकी जो प्रोबेट है, जो स्टेट है, इट विल गो थ्रू प्रोबेट, तो ये आपको फिर कोर्ट के थ्रू यू नो प्रोबेट अप्लाई करनी होती है। और अगर कोई विल ना हो इन प्लेस, अगर विल हो देन ऑब्वियसली आप जो एज पर द विल आप फॉलो करेंगे, लेकिन अगर जब कोई विल नहीं होती दैट्स व्हेन द कोर्ट्स यूके का जो गवर्नमेंट है देन दे टेक ओवर। इसका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है एज अपोज टू विल। इसमें ये होता है कि एक सेट गाइडलाइंस है कोर्ट की तरफ से कि प्रोबेट कौन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपको पहले अप्लाई करनी होगी एस्टेट के लिए, वो एक प्रोबेशन एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होती है कोर्ट में। उसके बाद जब आपको अथॉरिटी मिलेगी किसी एक पर्सन को, तो फिर वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि किसको एसेट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास विल नहीं है एंड उनके बच्चे हैं और पार्टनर है, जैसे अनमैरिड पार्टनर है, तो कोर्ट कैन डिसाइड कि डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द चिल्ड्रन रादर देन जस्ट द पार्टनर। लेकिन अगर कोई मैरिड है, उनकी शादी रजिस्टर्ड हुई हुई है, देन द कोर्ट्स कैन डिसाइड दैट ऑल द एस्टेट विल गो टू द पार्टनर। सो ये प्रोबेट के थ्रू फिर ये डिफरेंस आ जाता है एज अपोज टू अ विल। तो इसलिए यू नो काफ़ी हम स्ट्रेस करते हैं इस बात पर कि विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विल। अगर आपकी एस्टेट है, नो मैटर हाउ लार्ज योर एस्टेट इज, अगर आपके पास स्मॉल एसेट्स है या लार्ज एस्टेट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विल, ताकि ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन आप कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़े हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से आप विल बना सकते हैं, ताकि बाद में आपके बच्चों को या पार्टनर, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अफेक्ट नहीं होगा। सही है। अच्छा तहसीन साहिबा, ये बताएं कि एक शख्स जो विल लिखवा रहा है, वसीयत कर रहा है, क्या ये उसके पास हक़ मौजूद है कि अगर उसके पास 100 पाउंड हैं तो वो चार बच्चे हैं या उसके चार वरसा हैं, वो 25 ईच इक्वली उसने उसमें देने हैं, या ये उसकी स्वाबदीद है, वो चाहे तो 50% एक को दे दे या 10-10 पाउंड बाकियों को दे दे, 20, मतलब या ये तय है कि उसने इक्वली, उसकी मर्जी भी, मर्जी के मुताबिक भी वो इक्वल से ज़्यादा नहीं जा सकता आगे? नहीं जी, वसीयतनामा इसीलिए लिखा जाता है ना कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जायदाद बांटें। ये वसीयतनामे में अगर वो सारा 100 पाउंड एक ही को देना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, ये कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। सही है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक शख्स जिसका इंतकाल हो गया, वो अपनी वसीयत करके गया, वो तो बात समझ आती है, जो वसीयत नहीं करके गया तो उसके बाद भी ये सेट पैटर्न है कि इक्वली वो उसने डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, या वहाँ पे फर्दर आपने देखा कि वो बच्चों के दरमियान क्राइसिस आ जाते हैं, कोई क्लेम कर देता है मुझे वर्बली ये कहा था, ओरली ये कहा था, उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है? वर्बली ओरली का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए। और अगर किसी ने वसीयतनामा नहीं बनाया हुआ और उनका डेथ हो गया,
जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रही थी कि गवर्नमेंट ने आपके लिए वसीयतनामा लिख के रखा हुआ है और वो उस गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये मेरे ख्याल काफी सभी ये वो शेख साहब ने भी और ये जो दूसरे थे वो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया उसके डिस्टिंक्शन के कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर क्योंकि इवन सिर्फ वसीयतनामा बनाने के साथ आपकी जायदाद में किसी किस्म का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि अगर वसीयतनामे में तो लिखा होता है ना कि जब मेरा डेथ होगा तब ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी जायदाद इस तरह बांटी जाए। पर अगर फॉर एग्जांपल आपको अपनी जिंदगी में केयर होम में जाना पड़ जाए या आपकी किसी किस्म की बैंक्रप्सी हो जाए या किसी और किस्म का थर्ड पार्टी क्लेम हो जाए, आपने अगर वसीयतनामा बना के रखा हुआ है तो वो आपके ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको डिफरेंट किस्म की प्लानिंग की भी जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट बनाने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, फिर वो आपका प्रोटेक्शन होता है। फिर आप प्रोटेक्शन डिफरेंट केयर होम से कर सकते हैं, फ्यूचर डिवोर्सेज से कर सकते हैं, ये बैंक्रप्सी से बच सकते हैं, फिर आपकी जायदाद के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकेगा। सही है। असलम शेख साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, अब थोड़ा सा हम ज़रा अपने जो पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है उनकी प्रॉपर्टीज़ बरतानिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, एक शख्स बरतानिया में रहकर पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज़ की तकसीम के लिए वसीयत करता है तो उसका तरीक़ा कार क्या होता है? क्या वहाँ लिखी गई वसीयत वहाँ से नोटराइज़ करवा के अगर भेज दी जाए तो पाकिस्तानी अदालतों में एक्सेप्टेबल है, या उसको पाकिस्तान आकर वसीयत करना, वसीयत लिखवाना ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तान में तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि बरतानिया में उन पाकिस्तानी लोगों को मसला ज़्यादा दरपेश होता है जो इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि वो इस्लामिक लॉ के तहत उनकी जायदाद जो कुरान के अंदर तरीक़ेकार वजाहत की गई है सूरह निसा में अपने वारसों के लिए, उसके मुताबिक उनकी ऑटोमेटिक तकसीम जायदाद हो जाएगी जैसा कि पाकिस्तान के अंदर होता है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। पाकिस्तान में सिलसिला ये है कि इस्लामिक लॉ, मैंने पहले अर्ज़ किया कि डिस्करेज करता है वसीयत को। वो ये कहता है कि कुरान ने चूँकि वारसान के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं तो आपको वसीयत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इदारा मौजूद है जिसकी खिदमात आपके लिए या आपका कोई ख़ास ताल्लुक उसके साथ कायम हो चुका है, जैसे कोई मस्जिद हो सकती है, मदरसा हो सकता है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई ऐसा शख्स जिसने आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास खातिर का काम किया है तो आप चाहते हैं, तो फिर आपने वही जो असूल मैंने पहले बताया कि आप तीन हिस्सों को छोड़कर चौथे हिस्से की वसीयत आप कर सकते हैं, एक बटा तीन की वसीयत आप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, ये प्रोटेक्शन इस्लामिक लॉ वारसान को देता है कि उनकी जायदाद जो है वो महफूज है, अगर जिसके नाम पर थी वो फौत हो गया या अपनी ज़िंदगी में वो उसको डिस्पोज ऑफ कर गया तो कलहदा बात है, अगर नहीं करके गया तो फिर वो जायदाद उन वारसों तक पहुँचेगी। इसमें एक और वजाहत भी कर दूँ हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों के लिए कि इसी वजह से आकनामा जो है उसकी इस्लाम के अंदर कोई अहमियत नहीं है, शरीयत लॉ में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन बरतानवी लॉ में उसकी अहमियत है। तो यही वजह है कि अगर पाकिस्तान में कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपनी जायदाद से अपने बेटा बेटी या किसी भी वारिस को मैंने आक कर दिया है तो उसकी इस्लामिक लॉ में और पाकिस्तानी लॉ में कोई विरासत के हिसाब से हैसियत नहीं है, बजाय इसके कि सिवाय वो उस वक्त किसी मुश्किल से बचना चाहते हैं, कोई पुलिस के मामलात हैं, कोई मुकदमात हैं तो उनको वहाँ पर तो हेल्प करेगा लेकिन विरासत के अंदर उसको हेल्प नहीं करेगा। अब इसी तरह जब हम ट्रैवल करते हैं बरतानिया में यही सूरत हाल लेकर, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें वसीयत को फॉलो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारी जायदाद जो है हमारे हो सकता है वारसों को ना मिले, तो उसके लिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर जो यूके का, जो बरतानिया का
विरासती कानून है जिसके अंदर विल शामिल है उसको हम समझें, उसके बारे में हम जो अपनी गलत फहमियाँ उसको दूर करें और उसके मुताबिक हम अपनी विल तैयार करें अपने टाइम पर। यहाँ पर हमेशा ये होता है कि 50 साल के बाद जो भी उम्र के लोग गुजरते हैं उनको इनकरेज किया जाता है बैंकों के थ्रू, कम्युनिटी सेंटर्स के थ्रू और बाकी दूसरे ज़राए से कि आप अपनी विल तैयार करें, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी विल को तैयार करेंगे तो स्टेट प्लानिंग जो है वो आसान हो जाएगी। वरना आपका इनहेरिटेंस टैक्स जो है 40% तक जा सकता है अगर आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते। सही, ठीक। एक ब्रेक के बाद सलमा रबा से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सलमा रबिया साहिबा, बरतानिया में रहते हुए अगर आप वसीयत नहीं लिखवाते तो आपका इंतकाल खुदा न खास्ता हो जाता है, तो उसके बाद किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपके बच्चों को, आपके स्पाउस को? अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे वसाइल आ जाते हैं उसमें, क्योंकि आपके आपके नाम होते हैं जो आपने अपनी मर्जी से तकसीम करना होता है, अपनी फैमिली को देना होता है, अपने बच्चों को देना होता है। लेकिन यहाँ पे जब आपने विल नहीं किया तो फिर वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और बहुत सारे लोगों को फिर वो हिस्सा नहीं मिलता जो आप जिस तरीके से आप तकसीम करना चाहते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा तहसीन साहब, ये बताइए विल लिखवाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जायज तरीके से जिनको देना चाहते हैं उनको दे रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि आपने सिर्फ वसीयतनामा लिखना इनफ नहीं है, आपने प्रोटेक्शन भी देखना है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस टैक्स होता है, यूके में रहते हुए हमारे पाकिस्तानी, हमारे एशियाई लोग जो हैं उन्होंने 2-4 घर बनाए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, उनकी जायदाद मिलियन पाउंड से भी ज्यादा है, 2-3 मिलियन की है। उनका अगर डेथ हो जाए खुदा न खास्ता तो इनहेरिटेंस टैक्स उनकी जायदाद के ऊपर लगेगा और ये प्लानिंग की भी जरूरत है। अगर आपने किसी किस्म का वसीयतनामा बनाया हुआ भी है तो इनहेरिटेंस टैक्स फिर भी लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई, आपकी सारी जायदाद आप उन्हीं लोगों को मिले जिनको आप देना चाहते हैं, तो फिर आपको वसीयतनामे के साथ साथ इनहेरिटेंस टैक्स की प्रॉब्लम भी आपको हल करनी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग भी करनी चाहिए। नहीं तो बेशक आप जो कुछ मर्जी लिखें वसीयतनामे के अंदर कि इतनी जायदाद मैं इसको देना चाहता हूँ, इतनी इसको, मगर वो तब मिलेगी आपका इनहेरिटेंस टैक्स कई लाखों रुपए, लाखों पाउंड काटे जाएंगे, बाकी बैलेंस फिर उन लोगों को मिलेगा। तो लिहाजा सिर्फ वसीयतनामा बनाना इस कंट्री के अंदर इनफ नहीं है। प्रॉपर आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए, प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या मसले हो सकते हैं जो वसीयतनामा लिखने के बावजूद वो हल नहीं होंगे। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सही है। रुमाना साहिबा, क्या कोई अंदाज़ा है आपको कितने परसेंट इनहेरिटेंस टैक्स चला जाता है, जो आपका लास्ट आपके बैंक में बैलेंस है उसका कितने परसेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला गया और बाकी डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी औलाद में? नॉर्मली जो इनहेरिटेंस टैक्स होता है आप यू नो एस्टेट पूरी कैलकुलेट करने से पहले आप यू नो कैलकुलेट करते हैं कि इसमें टैक्स कितना होगा। सो जो अमाउंट जाता है वो डिपेंड होता है कि टोटल आपके एसेट्स कितने हैं और आपकी पूरी एस्टेट कितनी बनती है। सो अगर किसी के पास यू नो एक दो प्रॉपर्टीज होंगी तो उस वो सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली 40% जो है आपके इनहेरिटेंस से you know tax mein chala jata hai government ke paas jata hai if you're going through probate, but it all depends on the total asset. Ek aur cheez main elaborate karna chahungi jisse Tehseen ji ne kaha ke jo lasting you know jaise before your death agar koi bhi situation ho sakti hai to ye sab tax issues avoid karne ke liye aap jaise lasting power of attorney bhi aap de sakte hain.
किसी को, फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार हो जाए, आप मेंटली इनकेपेबल हो जाए कोई भी डिसीजंस लेने के लिए, तो ये पावर ऑफ अटर्नी आपको कवर कर सकती है. लॉसिंग पावर ऑफ अटर्नी होती है, आप इसमें हेल्थ इश्यूज भी कवर कर सकते हैं. आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे डिसीजंस लें. एंड अगर जैसे फाइनेंस के ऊपर भी आप लॉसिंग पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं. सो ये चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए लोगों को कि अपार्ट फ्रॉम विल, लास्टिंग पावर अटर्नी भी वो बना के किसी को नॉमिनेट कर दें जो आपके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं इफ़ यू बिकम इनकेपेबल. इस तरह से ये जो टैक्स इश्यू है कि गवर्नमेंट को चले जाएंगे, तो एटलीस्ट आपकी चॉइस के कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ जो भी क्लोज है वो डील कर सकते हैं आपके इस्टेट को. सही है. सलमा साहिबा, आप सोशल वर्कर भी हैं, ये बताइए कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या साउथ एशियन कम्युनिटी है, उसमें जो बरतानवी मुस्तकिल लोग हैं, जो बरतानिया के अपने ओरिजिन से हैं, उनकी निस्बत विल लिखवाना, इसका रुझान कितना है पाकिस्तानियों में, और क्या पाकिस्तानी वो हिचकिचाहट जिस तरह असलम शेख साहब ने कहा था कि इस्लामिक लॉज की वजह से फ़ील कर रहे होते हैं, या लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं? हमारी जो कम्युनिटीज हैं जो आउट ऑफ यूके से यहाँ पे यूके में सेटल में हुए हुए हैं, तो वो अभी ये जो जनरेशन है उसकी, उसका रुझान जा रहा है कि विल बनाना है और क्या करना है इनहेरिटेंस का और सो ऑन, पहले से डिसाइड करना. लेकिन इससे पहले की जनरेशन जैसे हमारे पेरेंट्स और आगे से उनके पेरेंट्स, उनकी इस तरफ रुझान नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के हिस्से में चली गई क्योंकि उन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ था या उन्होंने विल पावर नहीं बनाई हुई थी, और जिसको आप देना चाहते थे उसको नहीं दे मिल रही थी स्टेट एंड सो ऑन. तो अब जाके रुझान बढ़ा है और अब जाके लोगों ने थोड़ा सा इसको सीरियस लेना शुरू किया, और जो विल बनाने का, और रुमाना ने जैसे कहा कि अगर आप विल बनाते हैं तो उसमें आप नॉमिनेट करके जाते हैं किसी को ताकि आपके ऑन बिहाफ डिसीजंस ले सके, तो वो होता है. एंड ऑफ्टन प्रॉपर्टीज में अगर आप उसको गिफ्ट भी करते हैं तो बहुत सारे टैक्स वगैरह जो है वो लगने से बच जाते हैं. जी ठीक है शेख साहब, आपने गुफ्तगु सुनी है, बड़ा मेजर जो आपने बड़ा कलीदी नुक्ता बताया कि बीइंग मुस्लिम हमारा, क्योंकि विरासत का कानून और है, वहाँ पे कानून और है, तो लोग ओपन एंडेड इसको छोड़ जाते हैं. वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या ये ओपन एंडेड छोड़ना लेटर ऑन फर्दर औलाद के दरमियान या दीगर जो वरसा हैं उनके दरमियान मामला लिटिगेशन में चला जाता है, या स्मूदली ये चीज़ें निकल जाती हैं? देखिए दोनों तरफ मुख्तलिफ होगा. अगर पाकिस्तान में है तो वहाँ तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी वहाँ पर है, तो फिर वो पाकिस्तानी लॉ और जो शरिया लॉ है जिसके मुताबिक सेटल्ड है वारसान के हिस्से, उसके मुताबिक जाएगा और वहाँ पर विरासत. लेकिन मसला वहाँ पर बनेगा, चूँकि मैं दोनों जुरिसडिक्शन को डील करता हूँ और मुझे अंदाज़ा है अगर किसी शख्स ने बरतानिया में रहते हुए यहाँ पर विल कर दी है और पाकिस्तानी प्रॉपर्टी के बारे में भी उसने कुछ ऐसे इख्तियारात या उनको तकसीम कर दिया है, तो वो पाकिस्तान में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि वहाँ पर विल का कानून जो है 1/3 से ऊपर नहीं लगेगा. फिर उसको वहाँ पर चैलेंज किया जाएगा और फिर वही शरिया लॉ जो प्रिवेल करेगा और वारसान को जो कुरान में हिस्से मुकर्रर किए गए हैं उनके मुताबिक उनको दिया जाएगा. उसकी निस्बत बरतानिया में बिल्कुल इसके उलट होगा. बरतानिया में जैसे हमारे बाकी जो मेम्बरान, उन्होंने कहा कि बरतानवी लॉ प्रिवेल करेगा. बरतानवी लॉ यही है कि आप अपनी मर्जी से अपने होशोहवास में विल को बनाएं, उसकी प्रॉपर इस्टेट प्लानिंग करें कि आपने इनहेरिटेंस टैक्स 40% कह देना आसान है, लेकिन जब आप ये सोचें कि अगर आपकी इस्टेट 1,00,000 pounds है और उसमें आपकी बैड प्लानिंग की वजह से, इन टाइम डिसीजन ना लेने की वजह से, विल ना बनाने की वजह से 40%, मतलब ये है कि 50% गवर्नमेंट की के ख़जाने में चला गया और पीछे 50% बचा, तो उसकी तकसीम पे वारसान में होगी. तो ये बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो ये प्लानिंग नहीं करते, और बाद में वारसान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि उनके हाथ कुछ नहीं लगता. इसके अंदर और मसाइल जो आते हैं जिसमें आप स्टेट प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, उनमें ये है कि आपके ज़िम्मे जो लोन होते हैं
वो भी किसी को मालूम नहीं होते कि आपने मॉर्गेजेस पे घर लिए हुए हैं, लोन पे गाड़ी है आपके, उसके अलावा बैंक से आपने कारोबार के लिए लोन लिए हुए हैं, उसके अलावा अगर आपने किसी जो ऑर्गेनाइजेशन को आपने कोई लोन दिया हुआ है या उनसे लिया हुआ है किसी मकसद के लिए, अदरवाइज आपने इन्वेस्टमेंट किसी जगह की हुई है, उसके अलावा आपने अगर इन प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं की हुई किसी जगह, ना आपकी आपके औलाद को पता है और ना ही किसी और जगह, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो एक डरावने ख्वाब की तरह उस वक्त सामने आती हैं जब आपकी जो है वो इस दुनिया से रुख्सती होती है, और उसके बाद ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्लान नहीं थी और उसके मुताबिक कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं की गई, उसका ये नतायज मिले हैं कि वारसान के हाथ में या तो कुछ नहीं आया या आया है तो वो इस कदर नहीं है कि उनकी कोई हेल्प हो सके। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हमारी कम्युनिटी जो है इस बारे में अवेयर हो, उन्हें अवेयरनेस मिलनी चाहिए और उन्हें पाबंद करना चाहिए कि आपने जिस मुल्क में रहना है उसके कानून को फॉलो करना है। आपने सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी होने की वजह से ये नहीं आपको खुशामदीद कहेंगे। तहसीन साहिबा, पहले भी आपने बताया कि जो विल लिखवाते हुए जो थर्ड पार्टी है उनका भी ख्याल रखा जाए। अब ये भी ज़रा बता दीजिए, जिस तरह असलम शेख साहब ने जिक्र किया कि बाज़ औक़ात लोग दुनिया से चले जाते हैं और उनको पता नहीं होता उनके वरसा को कि इन्होंने किसी का देना क्या है, किसी का लेना क्या है, तो उस सूरत में बैंक पॉलिसीज़ क्या होती हैं उमूमी तौर पे? मॉर्गेज पे अगर आपने घर लिया हुआ है, गाड़ी आपने लोन पर ली हुई है, फाइनेंसिंग आपने करवाई हुई है, क्या जाने वाले के साथ ही ये चीज़ें मुआफ़ हो जाती हैं, या अगर वो आके क्लेम कर जाएँ तो फिर आपकी प्रॉपर्टी में से उसकी फिर उसका स्टेटस क्या रह जाता है जो आपकी बाकी दौलत बचती है? जी, काश के ये माफ हो जाती मगर माफ नहीं होती है। ये जब आपका इंतकाल हो जाता है तो सारी जायदाद आपकी इकट्ठी की जाती है और उसमें से सबसे पहले जो कर्जे होते हैं, लोन होते हैं, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई लोन पे ऑफ करने के लिए, तो पहले कर्जे दिए जाते हैं और बाकी बैलेंस जो बचता है वो फिर बांटा जाता है। अगर आपने वसीयतनामा बना के रखा हुआ है उसके मुताबिक, नहीं तो एक तो आपके कर्जे, दूसरे इनहेरिटेंस टैक्स। और ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चाहूँ कि इनहेरिटेंस टैक्स का लिमिट ये है कि पहला 325,000 pounds टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी जायदाद 2 million के अंदर अंदर है, तो अगर आपकी जायदाद 2 million के अंदर अंदर है तो पहला 325,000 प्लस एडिशनल एक अलाउंस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, विच इज कॉल्ड द रेजिडेंस मिल रेट बैंक, वो है 175,000। तो अगर आपकी जायदाद 2 million के अंदर अंदर है तो टोटल एक बंदे का 500,000 pounds टैक्स फ्री होता है, इनहेरिटेंस टैक्स फ्री होता है। और उसकी ये भी एक शर्त है कि आप अपने घर के मालिक हैं, उसमें रह रहे हैं, और जिनको आपने जायदाद देनी है वो आपके अपने बच्चे ही हैं, अपनी औलाद हैं, तो तब 500,000 pounds टैक्स फ्री होता है। अगर आपकी जायदाद 2 million से ज़्यादा है और ये बाकी के शरायत आप पूरे नहीं करते तो फिर सिर्फ 325,000 pounds टैक्स फ्री है और बाकी बैलेंस के ऊपर फिर 40% इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपके कोई बच्चे नहीं हैं या आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपकी 1 million pounds की जायदाद है, आपका पहला 325,000 pounds टैक्स फ्री होगा, बाकी बैलेंस के ऊपर 40% इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा आपके बेनिफिशरीज को। तो ये एक हमारी इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि ये एक वॉलंटरी टैक्स है, मतलब कि बहुत से तरीके हैं ये टैक्स बचाने के लिए, पर अगर हम इसके लिए, इसको बचाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते तो
तो फिर हम बोलेंगे हम अपनी मर्जी से चाहते हैं कि ये टैक्स मैन हमसे ये पैसे ले लें। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अगर आपने ये ऑप्शंस हैं आपके सामने टैक्स बचाने के लिए, इनहेरिटेंस टैक्स बचाने के लिए, अगर आप नहीं बचाना चाहते तो आप बस एक चेक लिख कर इनलैंड रेवेन्यू के नाम का, आप टैक्स मैन के नाम का लिख दें, अपना साइन कर दें, उसके ऊपर रकम आप नहीं डालिएगा ना ही डेट डालिएगा, क्योंकि जब आपका डेथ होगा उस वक्त डेट चल जाएगी और उस वक्त की रकम भी कैलकुलेट होके इसके ऊपर लग जाएगी कि ये आप तोहफा अपने टैक्स मैन के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक, ये हमारे लोग इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत बड़ा एक मसला है यहाँ पे। बाद में फिर फैमिलीज परेशान होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतना इनहेरिटेंस टैक्स लग जाएगा, हमारे माँ बाप ने तो ये प्लान ही नहीं किया था कि उनके जाने के बाद पहले हमें टैक्स देना पड़ेगा, बाकी का फिर जायदाद वो फिर उसमें से कर्जे भी निकलेंगे, फिर हमें जो बचेगा वो मिलेगा। तो ये एक्चुअली ये बच्चों के लिए ये यू नो आई डोंट थिंक इट्स वेरी फेयर। माँ बाप को जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हम इग्नोरेंट नहीं बने इस इन मसलों में, हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे फराइज क्या हैं और बच्चों के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग करनी है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में दौलत बनाने में हम लोग बहुत दिन रात मेहनत करते हैं कि ये भी मकान अब ले लेना है और एक और मकान लेना है, मगर ये हम पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमने कितनी जायदाद बना ली है। जब बच्चों को मिलेगा हमारे पास तो उनके लिए क्या मसले पैदा हो सकते हैं, इतनी कुर्बानियां दे के हमने इतनी जायदाद बनाई है, तो बच्चों को अगर सिर्फ आधा ही मिलेगा तो उसका क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने। जी ठीक है। रुमाना ये बताइएगा कि एक ऐसा शख्स कि जिसने मॉर्गेज घर करा रखा है, लोन पे कुछ और ले रखा है और बैक पे उसके इतने एसेट्स और हैं भी नहीं कि उससे उसमें एडजस्ट कर लिया जाए उसका जो दीगर कर्जा है, तो उसके लिए क्या तरीका कार है? क्या वो जो चीज़ें उसने ले रखी थी वो जब्त हो जाती हैं या माफ़ी तलाफी का उस शख्स के गुजर जाने के बाद कोई मैकेनिज्म है? आपने पॉइंट रेज किया स्पेशली मॉर्गेज के इन रिलेशन टू मॉर्गेज। यहाँ पे जो मॉर्गेज पैकेजेस मिलते हैं ये सबके डिफरेंट टर्म्स होते हैं, आप किस बैंक से मॉर्गेज ले रहे हैं और उसकी कंडीशंस क्या हैं ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको चेक करने चाहिए। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि मेनली जो है लोग यहाँ पे जॉइंट मॉर्गेज लेते हैं, सो एज अ कपल और हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसमें ये होता है कि कुछ मॉर्गेज कंपनीज ये इसमें कवर करती हैं कि अगर किसी वन एक पार्टी की डेथ हो जाए तो जो मॉर्गेज है वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएगी टू द रिमेन टू द सर्वाइविंग पार्टनर। तो ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि मॉर्गेज भी ट्रांसफर, अगर कोई आपके डेब्ट्स वगैरह है वो इट विल रिमेन सेपरेट टू द अदर पार्टनर। सो ये एक बहुत ही अच्छा यू नो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों को अपनी मॉर्गेज कंडीशंस भी चेक करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन इल हेल्थ और लॉन्ग टर्म इलनेस और डेथ, तो एटलीस्ट दूसरा जो पार्टनर है वो ही कैन कंटिन्यू विद विद पेइंग द मॉर्गेज। लेकिन जहाँ तक प्रोबेट का इश्यू होता है ये अगेन मॉर्गेज कंडीशंस पर डिपेंड होता है कि अगर आपको ये सारी मॉर्गेज ऑफ पे ऑफ करनी होगी विद योर डेब्ट विद योर आउटस्टैंडिंग एसेट्स या आपकी सारी माफ हो जाती है, सो इट जस्ट डिपेंड्स कि किस टर्म्स पे है। अगेन विद लोन्स ये भी उसके ऊपर डिपेंड होता है कि यू नो आफ्टर द डेथ अगर ये रिटर्न ऑफ हो जाएंगे कि नहीं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया रुमाना कौसर साहिबा, सलमा रबिया साहब, सिन खान साहिबा, असलम शेख साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।